क्वेश्चन नंबर 216। इस क्वेश्चन में सोलेनोइड के बारे में एक डिस्कशन है। तो डिफाइन ए सोलेनोइड एंड ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो इट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड। तो देखिए, सोलेनोइड एक बहुत स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर है। अगर हम किसी सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर को ले लें और उसके चारों ओर एक कंडक्टिंग वायर को बांध दें, या हम सिर्फ कंडक्टिंग वायर को एक सिलिंड्रिकल कॉइल की फॉर्म में बांधें, ये दोनों तरह का सोलेनोइड हो सकता है। सोलेनोइड विद द सॉफ्ट आयरन कोर और सोलेनोइड विदाउट द सॉफ्ट आयरन कोर। दोनों ही सोलेनोइड्स में हम एक कंडक्टिंग वायर को लेते हैं और उसको सिलिंड्रिकल कॉइल की फॉर्म में बांधते हैं विद द कंडीशन डैट डायमीटर ऑफ द सोलेनोइड इज लेस देन द कंपेरिजन टू द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। यानी कि सोलेनोइड की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, डायमीटर कम होनी चाहिए। इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के कॉइल्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को सोलेनोइड बोलते हैं। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसके कॉइल्ड वायर्स को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से अगर करंट जा रही है इसमें, तो सोलेनोइड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनोइड के एक एंड से निकल के बाहर आती हैं। जिधर से वो आउटवर्ड बाहर आ रही हैं वो एंड नॉर्थ पोल कहलाता है, और जिधर से वो अंदर की ओर आ रही हैं वो एंड साउथ पोल कहलाता है। और इनसाइड द सोलेनोइड ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट चलती हैं। मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 217। द क्वेश्चन इज अबाउट टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज राइट थ्री वेज बाई विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड को अगर हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें पहला काम करना हो सकता है कि हम सोलेनोइड में फ्लो करने वाली करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दें। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन्ड इफ वी आर इंक्रीजिंग द करंट इन सोलेनोइड। सेकेंड में तरीका हो सकता है कि हम नंबर ऑफ टर्न इन द सोलेनोइड ऑफ द गिवन लेंथ इंक्रीज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर हम बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो एक सॉफ्ट आयरन कोर को लेकर उसके चारों ओर कॉइल बनाएं, एक सिलिंड्रिकल वाउंड वायर बनाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मीन्स सॉफ्ट आयरन कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड को डेवलप करने के लिए। सेकेंड पार्ट है राइट द रीजन फॉर यूजिंग दिस सॉफ्ट आयरन कोर अक्रॉस द सोलेनोइड एंड्स टू मेक इट अफेक्टिव सोलेनोइड। देखिए, सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड को हाईली इंटेंसीफाई कर देता है। इसका रीजन सिंपल है, सॉफ्ट आयरन एक हाईली मैग्नेटिक परमिएबल मैटर है और इसकी रिटेंटिविटी बहुत कम होती है। हाई परमिएबिलिटी का मतलब है कि ये एनर्जी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो उसके थ्रू बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने के लिए एनर्जी को अपने अंदर बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम कहते हैं इसकी मैग्नेटिक परमीएबिलिटी वेरी हाई और इसकी रिटेंटिविटी वेरी लो है। इसका मतलब है जितनी देर तक करंट सोलेनोइड में पास हो रही है, कॉइल में पास हो रही है, उतनी देर तक ये सॉफ्ट आयरन एक बहुत स्ट्रॉन्ग परमीएबल मटीरियल की तरह, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करेंगे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएंगी। तो हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन इज हैविंग हाई परमीएबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी। क्वेश्चन नंबर 218 में क्वेश्चन है इन व्हाट वे वी आइडेंटिफाई द पोलैरिटी इन द सोलेनोइड इन रिलेशन टू करंट इन द वायर वाउंडेड ओवर सोलेनोइड। सोलेनोइड में जो नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी है उसका रिलेशन करंट की डायरेक्शन से होता है, जिसके लिए आपके सामने दो डायग्राम्स दिए हुए हैं जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं। लेफ्ट की ओर एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें बैटरी का टर्मिनल से लेफ्ट की ओर करंट जा रही है और वायर इस तरह से इस पे चढ़ाए गए हैं, इस तरह से कॉइल्ड हैं कि अगर आप अपने राइट हैंड से इस सोलेनोइड को पकड़ें तो आपको फिंगर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखेगी और थंब राइट हैंड की ओर जाता दिखेगा। मीन्स आप कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड दिख रही है, तो जिस डायरेक्शन में थंब जा रहा है वो एंड नॉर्थ पोल कहलाता है और जो दूसरा एंड है वो साउथ पोल कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट जो नीचे की ओर है जिस एंड पे क्लॉकवाइज है वो एंड साउथ पोल हो जाएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट जिस एंड पे एंटी क्लॉक है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर आप राइट हैंड के डायग्राम में देखें तो आपको देखेंगे पोलैरिटी ऑफ द
सेल बदल दी गई है और जो वायरिंग की गई है कॉइल में वो भी देखिए, तो उस हिसाब से जो करंट की डायरेक्शन है, यानी अगर आप फिंगर से अपने राइट हैंड के हेल्प से इस सोलेनोइड को पकड़ें तो आप देखेंगे आपका थंब लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन इन द सोलेनोइड अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रही है जाती हुई। तो एक एंड इसका वो एंड जो कि लेफ्ट की ओर दिख रहा है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखेगी, तो ये एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा और राइट हैंड के सिरे पर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगी। इस चीज़ को पता लगाने के लिए हम कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है कंपास नीडल का भी यूज़ करते हैं, तो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट, यानी नॉर्थ पोल किस सिरे पे है ये कैसे पता लगेगा, अगर कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की ओर हो रहा है। इसका रीजन है कि एंड ऑफ द कॉइल नियरर टू द कंपास बिहेव लाइक द नॉर्थ पोल। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनोइड और नॉट? देखिए जो ये सोलेनोइड है इसमें इसके सिरों पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो एंटी क्लॉक डायरेक्शन या क्लॉक वाइज डायरेक्शन के रिलेशन में आइडेंटिफाई की जाती है। तो सोलेनोइड का वो सिरा जिस तरफ से हमको डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉक वाइज दिख रही होती है वो एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिस एंड से हमको डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉक वाइज दिख रही होती है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट इन सोलेनोइड चेंज कर दें बाय चेंजिंग द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, तो सर्टेनली द पोलैरिटी एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड विल ऑल्सो गेट रिवर्स्ड, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड विल गेट रिवर्स्ड।